दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए हमारे ब्लॉग में। तो ब्लॉग का मज़ा लेने के लिए अंत तक बने रहिए। इधर सर्दी काफ़ी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुहासा कितना है। मेरे पीछे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है और सामने से एक बस भी आ रहा है जो कि नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये देखिए, मैं साइकिल से हूँ, पूरा अपने ठंड का इंतज़ाम किए हुए हूँ। हाथ में दस्ताना है, मोफलर लपेटे हुए। इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, लोग काफ़ी ज़्यादा लोग ठंड से परेशान है। अभी मैं शीतलपुर था गया हुआ, और सर्दी इतनी है कि कुहासा अभी तक, मतलब दिन के 9 बज रहे हैं और देखिए बाहर का हाल ये है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इधर देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना कुहासा है, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं आप वीडियो के देखकर। लोग देखिए, लोग आग जला रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। आग जलाने की व्यवस्था की जा रही है, पता नहीं कुहासे की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। तो हम जा रहे थोड़ा घर। ये देखिए, इधर मौसम मतलब दिन पे दिन अभी तो ख़राब होता जाएगा, सकरात तक ख़राब होगा मौसम। देखिए ये इधर बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है, क्या बताऊँ मैं आपको, आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। जी देखिए, मेरे पीछे गाड़ी जा रही है और तुरंत गाड़ी मतलब जो गाड़ियाँ सब है वो तुरंत गायब हो जा रही है, दिख नहीं रही है। देखिए पीछे से अभी एक आई है गाड़ी और दिखी भी नहीं है, वही एकदम बुरी तरह हालत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर देखिए, इधर एक ऑटो गया और ऑटो आप देख लीजिए तुरंत गायब हो गया। तो कोहरा कितना ज़्यादा है आप यह सोच सकते हैं। बाकी हम घर जा रहे हैं, अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मतलब कुहासा इतना ज़्यादा है कि सामने का आदमी भी नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए बगल का दिखाता हूँ, दो लड़के खड़े थे मेरे आगे और वो दोनों के जब मैं उन दोनों के पास गया तो अब वो दोनों मुझे दिखाई दिए, नहीं तो ऐसे दूर से तो दिखाई नहीं दे रहे थे। देखिए बाकी सारी लोगों का हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए सामने का हाल क्या है, मैं जो चल रहा हूँ रास्ते पे सामने देख लीजिए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मैं अभी कैमरा बैक किया हूँ। ये देख लीजिए आप, ये कुछ नहीं दिख रहा है सामने, देख लीजिए कितना नज़दीक आ गया है ट्रक, तो अब जाके दिखाई दिया। देखें ना आप, ऐसे ही रास्तों पर एक्सीडेंट होता है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो ठंड के दिन में भी होता है, ये बात तो सही है। आप देख सकते हैं गाड़ियां लोग एकदम मतलब कि एकदम धीमे धीमे चला रहे हैं लोग गाड़ियां, एकदम धीरे धीरे, वो चाहे 4 चक्का हो या 8 चक्का हो या 12 चक्का, मतलब वो चाहे बोलेरो स्कॉर्पियो हो या फिर ट्रक, लोग एकदम धीरे धीरे ले जा रहे आहिस्ता आहिस्ता ताकि कोई ज़्यादा खतरनाक हादसा ना घटे। ये देखिए एक और ट्रक आई जिसकी भी रफ्तार काफ़ी धीमे थी, तो
हम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ में जो पशु है वो लोग भी काफ़ी परेशान है ठंड में, क्योंकि ठंड अचानक से 28 तारीख से बढ़ गई है। आज 30 तारीख है और लगभग 4-5 दिन अभी ऐसे ही रहेगा या फिर 10 दिन भी रह जाए तो लोग मतलब आग ताप रहे हैं। तभी घर पे जाके हम भी थोड़ा लकड़ी उकड़ी जलाएंगे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि मतलब ये जो इधर आपने अभी घर देखा है उसमें बहुत से लोग आग ताप रहे हैं। तो मतलब ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं दस्ताना पहना हूँ, उसके ऊपर से भी मुझे ठंड लग रही है हाथ में। हाथ पूरा मेरा ठंडा हो गया है, ये पूरा ठंडा हाथ है। तो यही सब है। ये देखिए गाड़ियाँ की जो रफ्तार है वो काफ़ी धीमे हो गई है, और जो दो मतलब मोटरसाइकिल वाले लोग हैं उनको तो और ज़्यादा उसमें दिक्कत होगी। फिर भी कुछ हरामी लोग होते हैं जो कि मानते नहीं हैं और एकदम तेज़ गाड़ी चलाते हैं, उनको ठंड से मतलब नहीं रहता और ख़ुद तो ठंड लगता ही है, दूसरों को भी ठोक देते हैं जाके। एक तो कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा सामने का, लगभग यहाँ से 5 मीटर, हाँ मुश्किल से 5 मीटर तक दूर दिखाई दे रहा है। देखिए मेरे बगल से भी जो एक मोटरसाइकिल वाला गए वो काफ़ी धीरे थे, धीरे चला के जा रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता। अब आदमी लोग अपना पूरा कपड़ा पहने हुए हैं, तो आप लोग भी निश्चिंत रहिए, घर में रहिए और पूरे गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकले। ये देखिए ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं कितना कोहरे है। ये चाय का दुकान उकान सब अभी इधर खुल गया है, होटल उटल सब खुल गया है। देखिए इधर आग लहकाया हुआ है। देखिए इधर जो इधर का जो दुकान है अभी आप देख रहे होंगे, इतनी ज़्यादा कोहरा है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि कोई भी नहीं खोला है, सारे दुकानें बंद है अभी। तो आपने देखा कि दुकान उकान सब कुछ खुला हुआ था, कुछ बंद था, तो जिनको काम है वो तो काम पे जाएंगे ही, वो चाहे हमारे देश के सैनिक हो, किसान हो या कोई काम वाले लोग, जिनको उन्हीं से घर चलना है। तो आप ठंडा, आप लोगों के लिए मैंने यह वीडियो लाया था कि आप देख सके कि मेरे तरफ बिहार में कितना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कितना कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग ठंड में अपना ध्यान रखें। बाय बाय।